नमस्कार। और आज का पाठ है शेख चिली का सपना। शेख चिली का सपना एक हास्य कथा है और शेख चिली की कहानियां और किस्से दूसरों को तो हंसाते हैं परंतु यह भी सिखाते हैं कि कपोल कल्पना में डूबे रहने से बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो मेहनत करने के स्थान पर सपने देखते रहने वालों का क्या हाल होता है, आइए इस कहानी को पढ़कर जानते हैं। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। उस पर शेख चिल्ली बोला, लेकिन मुझे तो कोई काम करना आता ही नहीं है। मम्मी बोली, बेटा कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही होगा। शेख चिली मेहनत से नहीं घबराता था मगर ख्याली पुलाव बनाता रहता था। मस्ती में झूमता हुआ वह बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। उसने शेख चिली को देखते ही कहा, ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। शेख चिल्ली बोला, सिर्फ 2 अंडे? सेठ ने कहा, 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। यह सुनते ही उसने अंडों का टोकरा अपने सिर पर रखा और सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। वह मजदूरी में मिलने वाले 2 अंडों को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखने लगा। वह सोच रहा था, सेठ मुझे 2 अंडे देगा, अंडों से चूजे निकलेंगे और जो बड़े होकर मुर्गे या मुर्गियां बनेंगे, मुर्गियां और अंडे देंगी जिनसे और चूजे निकलेंगे और इस तरह मेरा एक बड़ा मुर्गी घर बन जाएगा। कुछ समय बाद मैं मुर्गियां बेचकर कई भैंसे खरीद लूंगा और इस तरह जल्दी ही मेरा दूध बेचने का व्यवसाय शुरू हो जाएगा। लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा। इसके बाद मैं अपनी सारी भैंसे बेचकर एक हाथी खरीदूंगा और लोगों को उसकी सवारी करवाऊंगा और पैसे इकट्ठे करके एक और हाथी खरीदूंगा और फिर उनके बच्चे होंगे। धीरे धीरे मेरे पास बहुत से हाथी हो जाएंगे। उन्हें मैं राजाओं तथा महाराजाओं को बेचूंगा और खूब सारा धन कमाऊंगा। शेख चिल्ली का सपना अभी चल ही रहा था। उसने सोचा, मैं हाथी बेचकर हीरे का व्यापार करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाकर शानदार महल बनवाऊंगा। फिर मैं शादी कर लूंगा, फिर बच्चे होंगे और वे लाड प्यार में मेरे सिर पर चढ़ेंगे। जब ज्यादा तंग करेंगे तो मैं उन्हें यूं झटक दूंगा। यह सोचते हुए शेख चिली ने अपने सिर पर रखे टोकरे को झटके से सामने फेंक दिया। सारे अंडे टूट गए। अंडों को टूटा हुआ देखकर तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। सेठ ने पलट कर देखा और आग बबूला होते हुए कहा, मूर्ख, यह क्या किया, 100 रुपए के अंडे तोड़ दिए। शेख चिल्ली रोते हुए कहा, अरे सेठ जी, आपके तो 100 रुपए के अंडे ही टूटे हैं, लेकिन मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा है। मेरा मुर्गी घर, दुग्धशाला, महल सब खत्म हो गए। मेरे बीवी बच्चे लाखों की जायदाद सब चली गई। अब मैं क्या करूंगा। तो यह था शेख चिल्ली का सपना और आशा है आप सभी को यह पाठ समझ में आई होगी, है ना। और शेख चिल्ली का सपना जो कहानी है इस अवधारणा पर केंद्रित है कि हमेशा सपनों की दुनिया में विचरण करने वाले व्यक्ति के होने वाले हर्ष बहुत नकारात्मक होता है और सपनों की दुनिया से बाहर यदि हम नहीं आ पाते हैं तो इसका परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होता है। और अपने सपनों को यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए हमें ठोस धरातल पर काम करने की आवश्यकता होती है। जमीन पर रहकर अर्थात यथार्थ में परिश्रम करके आसमान को छूने अर्थात लक्ष्य को पाने वाले लोग ही जीवन में सफल होते हैं।
तो कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी आशा है। धन्यवाद।